आज के इस वीडियो में मैं आपको फोटो और सिग्नेचर के साथ नया पैन कार्ड अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। इसके लिए आपको कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करने की जरूरत नहीं है। डिजिटल पैन कार्ड आपकी ईमेल आईडी पर और फिजिकल पैन कार्ड बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर आ जाएगा और इसमें आपका खर्चा आएगा 106 रुपीज ओनली। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना कोई डॉक्यूमेंट सेंड किए अपनी पसंद का फोटो और सिग्नेचर वाला पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आप चूज करेंगे एप्लीकेशन टाइप न्यू पैन इंडियन सिटीजन। कैटेगरी में आप चूज करेंगे इंडिविजुअल। नीचे आप टाइटल में चूज कर लेंगे श्री श्रीमती कुमारी। इसके बाद यहाँ पर अपना लास्ट नेम डालेंगे, अगर कोई फर्स्ट नेम मिडल नेम है तो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो कि आप इस कैलेंडर से चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर डालना है। टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट। एक टोकन जनरेट हो जाएगा, टोकन आप कॉपी करके रख लीजिए। इसके बाद कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप सेकेंड ऑप्शन चूज करेंगे, सबमिट स्कैन इमेजेस थ्रू ई साइन। अगर आप पहला वाला ऑप्शन चूज करेंगे तो इसमें आधार कार्ड पर जो फोटो है वही आपके पैन कार्ड पर आएगा और सिग्नेचर नहीं आएंगे, तो आप सेकंड ऑप्शन चूज करिए। इसमें आप अपनी पसंद का फोटो अपलोड कर सकते हैं और सिग्नेचर भी जो आप अपलोड करेंगे वही पैन कार्ड पर आएंगे। लेकिन इसके लिए आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तब आप ये थर्ड ऑप्शन चूज करेंगे, फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फिजिकली। इसमें आप लास्ट में एक एप्लीकेशन प्रिंट करेंगे, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाकर बाई पोस्ट सेंड करेंगे। लेकिन हमारे आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो हमें कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड करने की जरूरत नहीं है, हम ये सेकेंड ऑप्शन चूज करेंगे। इसके बाद नीचे आ जाइए, इसमें आपको आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स डाल देने हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको नाम डाल देना है जैसा आधार कार्ड पर लिखा हुआ है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको जेंडर चूज कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, क्या आप किसी और नाम से जाने जाते हैं? अगर हाँ तो यस करेंगे, वरना नो रखेंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपना फादर नेम डालना है और अगर आप चाहें तो मदर नेम भी डाल सकते हैं। नीचे यहाँ पर आप चूज करेंगे पैन कार्ड पर आपको मदर नेम चाहिए या फादर नेम चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट। इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा, इसमें आप सोर्स ऑफ इनकम चूज करेंगे। अगर आपकी कोई इनकम नहीं है तो आप नो इनकम चूज करेंगे। अगर आपको सैलरी मिलती है तो आप सैलरी चूज करेंगे। अगर आपको कोई बिजनेस है या आप कोई प्रोफेशनल है तो आप ये चूज करेंगे। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है तो आप ये चूज करेंगे। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। नीचे आपको चूज करना होगा एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। आप अपने पैन कार्ड के लिए कम्युनिकेशन एड्रेस क्या रखना चाहते हैं, इसमें आप रेजिडेंस चूज कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ऑफिस भी चूज कर सकते हैं। इसमें आपको अपना रेजिडेंस एड्रेस फिल कर देना है। इसमें आप कंट्री चूज कर लेंगे इंडिया और यहाँ पर अपना स्टेट चूज कर लेंगे। इसमें यहाँ पर पिन कोड डालेंगे। इसी तरह से नीचे आपको अपना ऑफिस एड्रेस भी फिल कर देना है अगर आप चाहें। लेकिन अगर आपका कोई ऑफिस एड्रेस नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर कंट्री कोड चूज कर लेना है, इसमें आप टाइप करेंगे इंडिया। आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी, इसके बाद नेक्स्ट। इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा, इसमें आपको एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड, एओ नंबर डालना होगा। इसके लिए जस्ट आपको यहाँ पर चूज करना है इंडियन सिटीजन। इसमें आप चूज कर लेंगे अपना स्टेट। इसके बाद यहाँ पर आप चूज कर लेंगे अपना सिटी। इस तरह से आपके सामने डिटेल्स आ जाएगी। अगर आपकी तहसील का नाम ए से एम के बीच में है तो आप पहला ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आपकी तहसील का नाम N से Z के बीच में है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड, AO नंबर आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो गूगल में भी फाइंड कर सकते हैं अपने एरिया का कोड और AO टाइप, रेंज कोड और AO नंबर, ये फिर आप यहां से भी चूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट। इसमें आपको आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और डीओबी प्रूफ चूज करना होगा। तो तीनों में हम यहां पर आधार कार्ड चूज कर लेंगे और डीओबी प्रूफ में भी हम आधार कार्ड ही चूज कर लेंगे। इसके बाद नीचे डिक्लेरेशन देना होगा, इसमें आपका नेम आ जाएगा। इसमें आप चूज कर लेंगे हिमसेल्फ हरसेल्फ। नीचे आपको प्लेस का नाम डाल देना है। इसके बाद नीचे आपको फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स का क्या साइज होना चाहिए, क्या डायमेंशन होनी चाहिए वो बताया गया है। जैसे कि आपका फोटो 3.5x2.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, यानी उसकी हाइट 3.5 और उसकी विड्थ 2.5 होनी चाहिए।
और उसका मैक्सिमम साइज 50 KB तक चल जाएगा और ये 200 DPI में होना चाहिए। इसी तरह से सिग्नेचर है, ये भी 200 DPI में होना चाहिए और इसका साइज 2x4.5 cm होना चाहिए, यानी 2 cm की हाइट और 4.5 cm की वेथ होनी चाहिए और मैक्सिमम साइज 50 KB चल जाएगा। जबकि आप जो डॉक्यूमेंट्स देंगे आईडी एड्रेस और DOB प्रूफ के लिए, उनका मैक्सिमम साइज 300 KB तक होना चाहिए और उनका फॉर्मेट PDF होना चाहिए। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको किस तरह से बनाने हैं ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर मैं फोटो चूज करूंगा और अपलोड करूंगा। फोटो अपलोड हो चुका है, इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सिग्नेचर अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद हम डॉक्यूमेंट चूज करेंगे। हमें सिर्फ आधार कार्ड अपलोड करना है तो आधार कार्ड चूज करेंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहें तो कोई और डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं, ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और अपलोड करेंगे, लेकिन हमें सिर्फ आधार कार्ड अपलोड करना था। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इसमें आप अपने आधार कार्ड के फर्स्ट 8 digits डालेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते जाइए और अपनी एप्लीकेशन को चेक कर लीजिए। आपके सामने कंप्लीट एप्लीकेशन आ जाएगी। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपको पेमेंट करना होगा। इसमें हम चूज करेंगे थर्ड ऑप्शन, ऑनलाइन पेमेंट थ्रू बिल डेस्क। 106 rupees का पेमेंट करना होगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमेंट गेटवे पर, जहां आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट या UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको QR कोड के थ्रू पेमेंट करना है तो आप QR कोड पर क्लिक करेंगे और इसमें आप चूज कर लेंगे UPI, मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। आपके सामने QR कोड आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपको किसी भी UPI एप्लीकेशन जैसे कि फोन पे, गूगल पे, भीम या किसी भी UPI एप्लीकेशन में इस QR कोड को स्कैन करना है और उसके बाद अपना UPI पिन डालकर पेमेंट कर देना है। तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा इस पेज पर। यहाँ आपको वेट करना होगा। यहाँ पर ना तो आपको रिफ्रेश करना है और ना ही ब्राउजर को क्लोज करना है। इसी तरह से आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है। इसके बाद कंटिन्यू। इसके बाद यहाँ टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें कोई भी डॉक्यूमेंट कहीं पर सेंड नहीं करना है तो हमें ऑनलाइन ई साइन करना होगा। इसके लिए OTP ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको कंटिन्यू विद ई साइन पर क्लिक करना है। इसमें आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP डालकर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन ई साइन भी हो जाएगी। आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और आप यहां पर देख सकते हैं कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट कहीं भी सेंड करने की जरूरत नहीं है। और ये आपकी एप्लीकेशन है, इसको आप अपने रेफरेंस के लिए डाउनलोड करके रख सकते हैं। इसका पासवर्ड आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और जो भी डिटेल्स आपने फिल की है वो सब आप अपनी एप्लीकेशन में देख सकते हैं और इसमें आपका फोटो और सिग्नेचर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको आप यहां से प्रिंट करके रख सकते हैं या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। इसके बाद डिजिटल पैन कार्ड आपकी ईमेल आईडी पर और फिजिकल पैन कार्ड बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको इस तरह से ईमेल मिल जाएगा। इसमें PDF में आपका डिजिटल पैन कार्ड होता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी ओपन करने के लिए, क्योंकि लॉक्ड होता है। इस तरह से आपको डिजिटल पैन कार्ड मिल जाएगा। इसमें आपका फोटो और आपका सिग्नेचर भी होगा, आपको अलग से इस पर सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और 15 दिन के अंदर अंदर बाई पोस्ट ये आपके एड्रेस पर भी आ जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स कैसे रेडी करने हैं। सबसे पहले आपको एक फोटो क्लिक कर लेना है, उसके बाद आपको एक व्हाइट पेपर लेना है और उस पर सिग्नेचर कर लेने हैं। इसके बाद अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो आप फोटोशॉप ओपन करेंगे। फोटोशॉप में आपको न्यू पेज लेना है, क्रिएट न्यू। इसमें आपको यहाँ पर विड्थ डालनी है, जैसे कि फोटो हमें चाहिए था 2.5, यहाँ पर आपको चूज कर लेना है सेंटीमीटर, इसमें डालेंगे 2.5 विड्थ और हाइट में डालेंगे 3.5। इसके बाद नीचे रेजोल्यूशन में डालेंगे 200, क्योंकि वहां पर 200 DPI का फोटो मांगा गया है। इसके बाद क्रिएट। अब देखिए ये आपको एक फॉर्मेट मिल गया है, इसमें आपको अपना फोटो ला करके इंसर्ट कर देना है। जैसे कि यहाँ पर ये फोटो है, जो भी आपने क्लिक किया हो इसमें आप ला करके इंसर्ट करेंगे और इसमें आप इसको रिसाइज कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद क्रॉप कर लेंगे, सी प्रेस करेंगे और एंटर। फोटो आपका रेडी हो गया है। इसके बाद आप इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस,
इसमें आप चूज कर लेंगे फॉर्मेट JPG। यहाँ पर आप अपने फोटो का नाम डाल देंगे, जैसे कि मैं डाल देता हूँ फोटो फॉर पैन कार्ड। इसके बाद सेव। अब आपको साइज चूज करना होगा, इसका साइज है 73 KB, लेकिन ये ज्यादा है क्योंकि पैन कार्ड एप्लीकेशन में 50 KB मांगा गया है, तो आप यहीं से कम कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये हो गया है 43 KB, ये चल जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए ये फोटो रेडी हो गया है और इसका साइज है 33 KB। इसमें आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आप यहाँ डिटेल्स में देख सकते हैं ये 200 DPI का फोटो है और इसको आप पैन कार्ड एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हमें सिग्नेचर रेडी करना है तो उसके लिए भी हम फोटोशॉप ओपन करेंगे और उसमें हम एक न्यू पेज लेंगे, क्रिएट न्यू। इसमें भी हम सेंटीमीटर चूज कर लेंगे और विथ हम रखेंगे 4.5 यानी के चौड़ाई। इसके बाद हाइट है, हाइट हम रखेंगे 2, तो 2 सेंटीमीटर हाइट रहेगी और 4.5 सेंटीमीटर विड्थ रहेगी सिग्नेचर की। रेजोल्यूशन 200 रहेगा। इसके बाद क्रिएट। इसमें भी देखिए फॉर्मेट आपके सामने आ गया है। अब जस्ट आपको अपने सिग्नेचर उठा करके इसमें डाल देने हैं। अगर आप चाहें तो इंसर्ट भी कर सकते हैं या फिर जहां भी आपके सिग्नेचर रखे हुए हैं जस्ट आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहां पर उनको इंसर्ट करेंगे। इसके बाद आप इस तरह से रिसाइज कर लेंगे कि इस बॉक्स में सिग्नेचर आपके सही तरीके से आ जाने चाहिए। जैसे कि यहां पर देखिए फिट आ गए हैं, एंटर। इसके बाद क्रॉप कर देंगे, सी प्रेस करेंगे और एंटर। इसके बाद इसको भी हम सेव करेंगे कंट्रोल एस। इसमें हम चूज कर लेंगे JPG फॉर्मेट और इसका हम नाम रख देंगे सिग्नेचर। इसके बाद सेव। इसका साइज आप देख सकते हैं यहाँ पर जितना भी आपको रखना है, जैसे कि 54 KB है, ज्यादा है तो हम कम कर लेंगे 46 KB। ओके, अब यहाँ पर देखिए सिग्नेचर रेडी हो गए हैं। इसमें भी आप राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं 200 DPI में है और इसका साइज भी 50 KB से कम है। इसी तरह से आपको अपना आधार कार्ड स्कैन कर लेना है या फिर आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप डाउनलोड करेंगे तो वो आपको लॉक्ड मिलेगा, आपको अनलॉक करना होगा। अनलॉक करने के लिए आप एक वेबसाइट पर जाएंगे, इसमें आप अपना आधार कार्ड चूज करेंगे। इसके बाद आपको पासवर्ड डाल देना है और पासवर्ड डालकर आप अनलॉक पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड अनलॉक हो जाएगा। यहीं से आप कंप्रेस पर क्लिक करेंगे, अपनी PDF फाइल चूज करेंगे। इसमें आप पहला ऑप्शन चूज करके चूज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड कंप्रेस हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो मोबाइल फोन पर ईशान PDF मैनेजर एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें भी कंप्रेस कर सकते हैं। सो इस तरह से आप पैन कार्ड के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं और आप ऑनलाइन पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपना पसंदीदा फोटो और सिग्नेचर ऐड करके बिना कोई भी डॉक्यूमेंट सेंड किए हुए। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।